बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बच्चे को अभी आईवी वगैरह लगाए हैं, ऐसा ये बच्चों से काम कराते हैं और काम करा के रास्ते पे गधे वाले छोड़ देते हैं उसकी। अब वो बच्चे की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसकी माँ भी यहाँ पर है, बिना माँ के बच्चा रह नहीं सकता। शेल्टर या हॉस्पिटल में पहुँचाना भी एक आसान काम नहीं होता है। उसको डॉग बाइट भी हुआ है और उसके बॉडी पे जगह जगह वुंड हुआ है बहुत सारा। ये गधे के ओनर्स के नाम है पवन सिंधे, संतोष सिंधे, एक अनिल नाम है। ये लोग संजय नगर और सम्राट नगर की तरफ ये लोग रहते हैं। सब जानते हैं कि सरकार से हमको काट आने का पैसे की भी नहीं और किसी और चीज की मदद नहीं होती। यहाँ तक अगर आप लोगों को अभी कॉल करेंगे तो वो कचरे वाले को उठा के उसको पिकवा देंगे और हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के नजदीक ही अमृतुल चाय के दुकान के पास में महज 5 से 6 दिन का गधे का एक बच्चा तेज बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गया और रोड के किनारे ही ये गिरा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कई जख्म भी हो गए थे। रास्ते के किनारे ही ये गधे का बच्चा पड़ा रहा और इसकी माँ इसके आसपास ही घूमती रही। ये बच्चा मरने के कागार पर पहुंच गया था, मगर सूचना मिलने पर एनिमल लवर मुजना मैडम और डॉक्टर तनवीर मौके पर पहुंचे और 5 से 6 दिन के इस गधे के बच्चे का इलाज शुरू किया गया। आपको बता दें कि मुंब्रा के संजय नगर, सम्राट नगर में ऐसे कई लोग हैं जो गधे पालते हैं और इन पर ईंट, रेती, सीमेंट लादकर ढुलाई करके हजारों रुपए कमाते हैं, मगर इन गधों को खुला सड़क पर छोड़ देते हैं। सिर्फ पैसे कमाने से इन्हें मतलब है। इस गधे के बच्चे को फौरन जो है इलाज किया गया, इंजेक्शन, ग्लूकोज वगैरह लगाया गया और ठंडी से बचने के लिए इसे गर्म कपड़े से ढका भी गया। अक्सर लोग सड़क किनारे बेजुबान जानवरों को तड़पता हुआ देख इन्हें छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि जाने दो, छोड़ो, जानवर है। मदद के लिए बहुत कम ही लोग आगे आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनिमल एनजीओ चलाने वाली मुजना मैडम अपनी गोद में लेकर इस गधे के बच्चे को इलाज करवा रही हैं। थोड़ी सी हालात स्थिर होने के बाद एम्बुलेंस मंगवाया गया और गधे के बच्चे के साथ उसकी मां को आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं एनिमल लवर गधे के मालिक पर शिकायत भी दर्ज कराने की बात कह रही हैं और कह रहे हैं कि गधों को भी जो आवारा घूम रहे इन्हें भी जब्त करवाया जाएगा। क्या कुछ एनिमल लवर मुजरा मैडम ने कहा है और जो डॉक्टर तनवीर है जो इलाज किए इस गधे के बच्चे का, उन्होंने क्या कहा है आपको सुना दें। हाँ, मैं एनिमल डॉक्टर तनवीर पठान, हम लोगों को हुसैन भाई और इस्लामुद्दीन भाई ने बताया कि एक गधे का बच्चा मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर साइड में पड़ा हुआ है, जो 7 दिन का बच्चा है। बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बच्चे को अभी आईवी वगैरह लगाए हैं, ऐसा ये बच्चों से काम कराते हैं और काम करा के रास्ते पे गधे वाले छोड़ देते हैं। उसकी माँ खड़ी है, ये बच्चा है, अभी उसको ट्रीटमेंट वगैरह की है। अब वो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको डॉग बाइट भी हुआ है और उसके बॉडी पे जगह जगह वुंड हुआ है बहुत सारा, जिससे ब्लीडिंग वगैरह आ रही है, मैगट वगैरह लगा हुआ है। तो इसके लिए गधों के लिए कुछ तो कार्रवाई करना पड़ेगा हम सब लोगों को। किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? खासतौर पर ये देखा जा रहा है कि इस तरह से बहुत लोग गधे पाले हैं और उनसे काम भी लेते हैं, ईंट वगैरह, रेत वगैरह की धुलाई करते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं, उसके बाद एक तरह से खुला छोड़ देते हैं। अभी वो 7-8 दिन का बच्चा है, बारिश में भी भीग गया, कुत्ते ने भी उसको काटा है, तो आप लोग किस तरह की कार्रवाई? तो अभी मुमरा पुलिस स्टेशन में हम लोग कंप्लेन करेंगे आपके न्यूज के माध्यम से और उन लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा, उन लोगों को वार्निंग वगैरह देंगे। है ये गधे के ओनर्स के नाम है, बबन नाम है, बबन सिंधे, संतोष सिंधे, एक अनिल नाम है। ये लोग संजय नगर और सम्राट नगर की तरफ ये लोग रहते हैं। इन लोगों के घर के एड्रेस वगैरह अभी सब निकालते हैं और उसके बाद में इन लोगों के लिए हमारे एनजीओ वाले कार्रवाई करेंगे। मुजना फाउंडेशन और कबीर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स मिलके हम सब कार्रवाई करेंगे इसके लिए। 4 घंटे से रास्ते में लोगों को परवाह नहीं है ना, लोगों को अगर परवाह होती तो मुमरा के अंदर एनिमल शेल्टर होता, एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस होता, एनिमल हॉस्पिटल तो होता, कुछ भी नहीं है। हम ही कर रहे हैं, डॉग फंसेगा तो हम जाएंगे और बाकी के लोग यहाँ पे डॉग रेस्क्यू करके यहाँ वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये सब करेंगे, अभी हमने इसको ग्लूकोज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह दिया, अभी ये बच्चे को हम कोई हॉस्पिटल या कोई शेल्टर में एडमिट करवाएंगे, रखेंगे, ठीक है। मर जाएगा बच्चा ही अगर रोड पे छोड़ देंगे तो। मनपा का यही कि एक एनिमल शेल्टर होना चाहिए,
एक एनिमल हॉस्पिटल होना चाहिए ठाणे महानगर पालिका का, जो नहीं है यहाँ पे, होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अच्छा मैडम, किस तरह से काम करेंगे आप इसको आगे करेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि बॉर्न बेबी, आप लोगों ने बताया कि 6 से 7 दिन का बच्चा और काफी छोटा है और काफी इसकी हालत खराब है। इसकी माँ भी यहाँ पर है, बिना माँ के बच्चा रह नहीं सकता। शेल्टर या हॉस्पिटल में पहुंचाना भी एक आसान काम नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि बच्चे को एडमिट कर देंगे, जो भी पैसा होगा वो हम हमारी जेब से लगाते हैं। ये सब जानते हैं कि सरकार से हमको एक आठ आने का पैसे की भी नहीं और किसी और चीज़ की मदद नहीं होती है। यहाँ तक अगर आप लोगों को अभी कॉल करेंगे तो वो कचरे वाले को उठा के उसको पिकवा देंगे और हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे उन लोग। यहाँ तक कि ऐसा है कि इनके ऊपर जब कार्रवाई करने के लिए जब हेल्प मांगते तब भी हमको यहाँ के नगर सेवक और जो भी मतलब यहाँ के TMC वाले BMC वाले जो भी है, इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लोकल पब्लिक भी इनको देखकर अनदेखा कर देती है। बच्चे को माँ के साथ में कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। ये दूध पीने वाला बच्चा अगर इसको हम ऐसे हॉस्पिटल में डालते हैं तो ये बच्चा वैसे ही बचने वाला नहीं है, क्योंकि बॉर्न बेबी है। अब माँ के साथ में इसको शेल्टर अरेंज करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लान तो किया नहीं है। फिलहाल इसको फर्स्ट एड देते हैं और इसी दौरान हम लोग सोचते हैं कि इसको कहाँ करते, क्योंकि बारिश की वजह से शेल्टरों की कंडीशन, रास्तों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ हमको इनको पहुँचाने के लिए कोई गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं होती है। नॉर्मल ऑटो वाले रेस्क्यू एनिमल्स को वो लोग उठाते बिठाते भी नहीं है। यहाँ तक हमको ऑटो की फैसिलिटी भी नहीं, कोई ऑटो। हमने कुछ एनिमल लवर ऑटो वाले हैं उनसे बात करके रखी है तो बेचारे कम पैसे में पहुँचा देते। यहाँ की जो भी सरकार है इस वक्त यहाँ पर, जो नगर सेवक या जो भी है, उनसे एक ही गुजारिश है। बहुत बार हम उनके ऑफिस के धक्के खा चुके हैं, भाई आप लोग जब इतना पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, ये मेला वो मेला फलाना कैंप धमाका कैंप, तो थोड़ा ये भी तो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है ना, ये जानवर भी, तो इनके लिए भी कुछ करें। और ये तो बिजनेस पर्पज यूज हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली ठीक है भाई, कम्युनिटी एनिमल्स है, सड़क के हम नहीं कर सकते बताओ, लेकिन जो किसी बिजनेस के पर्पज से यूज हो रहे तो इनके मालिक को बोलो जब आपके पास रखने के लिए स्टेबल वगैरह कोई जगह नहीं है तो इनको पालने के राइट्स नहीं, इनको जब्त किया जाए, सारे एनिमल्स को जब्त किया जाए। शेल्टर हम अरेंज करेंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ के नगर सेवक वगैरह की पुलिस की कंप्लेंट करेंगे। पुलिस से कुछ मदद मिलने वाली है नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार पहले केस कर चुके, नहीं मिलती। इन द सेंस लोग आश्वासन देते हमको, वो लोग बोलते हैं हम करेंगे, लोग पूरा सपोर्ट करते, बट आगे कुछ रिजल्ट नहीं आता है उसका। काफी केसेस में जा चुके पहले की वीडियोस आप लोग के पास भी, हमारे पास भी कंप्लेंट्स की सारी ये भी है, बट वो एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि इनको जानवरों को इंसान लाइटली लेता है। मतलब बोलते ना नहीं, इसको फिलहाल शेल्टर में भेजा जाएगा एडमिट के लिए। माँ एडमिट नहीं होती, बच्चा एडमिट होता है, तो बच्चा एडमिट करने की सिचुएशन में नहीं, इसको उसकी माँ के साथ में कोई शेल्टर में भेजेंगे, पेड शेल्टर जो फॉस्टर्स होते हैं वहाँ पर इनका अरेंज करेंगे। फिलहाल फर्स्ट एड देके अभी हम लोग इंशाल्लाह 1-2 घंटे में कहीं ना कहीं इसको उठवा के भिजवा देंगे। अंदर में देखिएगा ना, बेबी को भी रख दिया है, फिलहाल दोनों डंकी को रख दिया है, ठीक है।